हाय एवरीवन, आज हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसी वीडियो में मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में बोला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल जो होता है वो देखा जाए तो जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, उसके इक्विवेलेंट कहा जाता है। बस वो सेंटर का होता है और ये स्टेट का होता है। तो लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल स्टेट के लिए बोला जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, वो पार्ट देखिए कौन कौन से होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। और जो काउंसिल है उसको परिषद बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें जो मैं पहले आपको टर्म्स बताती हूँ, तो वो दो टर्म्स याद रखिए आप, उसके आगे मैं सब डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। पहले बेसिक बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले है यूनिकैमरल सिस्टम। यूनी यानी वन, एक सिस्टम है जिसमें बोला जा रहा है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देखिए, जो स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 29। इसमें जो विधानमंडल होते हैं उसके सब में तीन पार्ट होते हैं, तो जो असेंबली है वो तो सब में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद सब में हो। ये सब में नहीं होती है, तो ये बस सात स्टेट्स में है, ठीक है। तो जिन स्टेट्स में है उसको बोला जाता है बाईकैमरल, यानी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, और जिसमें सिर्फ एक है उसको यूनिकैमरल बोला जा रहा है। तो वो स्टेट हैं 22। और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो दो यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें भी है, ओके। अब आपको आगे पढ़ना है, और गवर्नर तो सब में होता ही है। अब पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें देखिए, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये समझिए, जो पार्लियामेंट होती है उसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है प्रेसिडेंट, ओके। अब जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो जो स्टेट होता है उसमें लोअर हाउस क्या होता है, तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसको लोअर हाउस बोला जाता है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको अपर हाउस बोला जाता है। जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। आई होप ये इतना आपको क्लियर होगा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो अच्छे से समझ पाएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया बाईकैमरल क्या होता है। बाईकैमरल वो होता है जिसमें अपर और लोअर हाउस दोनों है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। तो वो कौन कौन से सात स्टेट हैं, तो वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूपी एंड महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र भी है। तो ये टोटल सात हो गए। अब देखते हैं इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। देखिए, इसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है मेंबर्स का वो होता है 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और जो मिनिमम नंबर है वो है 60। लेकिन कुछ स्टेट में 60 से भी ज़्यादा कम है, तो वो एक्सेप्शन केस होते हैं और वही एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से स्टेट्स हैं। देखिए, गोवा में है 40, सिक्किम में है 32, मिज़ोरम में है 40 एंड पुडुचेरी में है 30। तो देखिए, अब आपको याद क्या रखना है कि सबसे मिनिमम किस में है, सबसे मिनिमम है सिक्किम में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम मेंबर्स किस में हैं, तो आप बता सकते हो सिक्किम में, और कितने हैं, 32। ये सारे फैक्ट्स हैं, एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये सब याद करना है। बार बार वीडियो देख सकते हो, याद हो जाएगा आपको। ऑल राइट, अब देखिए, इतना आप समझ गए हो। अब जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, इसमें होता है 5 साल का। हर 5 साल में ये दोबारा इलेक्ट होते हैं, और इनको इलेक्ट कौन करता है, वो स्टेट के जो लोग होते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, वैसे ही लोग इलेक्ट करते हैं, और फिर यही बनते हैं जिनको बोला जाता है विधायक। विधायक के बाद ही ये बनते हैं सीएम, जो भी पार्टी जीतती है और जो भी बनाना चाहते हैं, जिसका हेड होता है वो बनता है सीएम। और वोटर्स की एज सबको पता है होती है 18 साल, यानी 18 साल के ऊपर जितने भी होते हैं वो सब वोट दे सकते हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बच गई हैं वो इसमें यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, इसमें ना रिज़र्वेशन होता है एससी एसटी के लिए, यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। और जो गवर्नर होता है वो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होगा वो,
और उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। जैसे राज्यसभा में और लोकसभा, जो लोकसभा में नॉमिनेशन होता है वैसे ही इसमें भी नॉमिनेशन होता है, और वो कौन करता है? गवर्नर करता है, और पार्लियामेंट में करता है प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही है जानने के लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं विधान परिषद, और विधान परिषद में कैसे लोग इलेक्ट होके जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी विधान परिषद, ये अपर हाउस कहलाती है। मैंने आपको बता दिया है अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होता है। तो इसमें जो 7 स्टेट हैं, टोटल स्टेट है 29, जिसमें जो 7 स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको अभी बताया है। अब देखिए जो इनका टेन्योर होता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका टेन्योर होता था 5 साल का, इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं, और वैसे इनकी एज होती है 6 साल, यानी टेन्योर इनका होता है 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 जो लोग हैं वो रिटायर होते जाते हैं। उसके बाद देखिए जो विधान परिषद है उसका साइज 1/3 विधानसभा के साइज से नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल विधानसभा का मैक्सिमम साइज़ है 500, लेकिन अगर माने कि इसका साइज़ है 390, तो अगर 390 है तो जो विधान परिषद में जो लोग होंगे वो 1/3 ऑफ 390 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्शन इनका कैसे होता है, और एक चीज़ और कि इसमें जो मिनिमम नंबर होते हैं वो 40 होते हैं, 40 से कम नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है। यूपी में है मैक्सिमम 100, और जम्मू कश्मीर में है मिनिमम 36, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। जो ये मैं बता रही हूँ ये है विधान परिषद की सीट, ठीक है। अब जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें किसकी मैक्सिमम सीट होती है, उसमें होती है यूपी की, यूपी की है 403, और एक है वेस्ट बंगाल की 294। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मैक्सिमम दोनों में यूपी की ही है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाएगा। और इसमें जो काउंसिल में जो मिनिमम है वो है 36 जम्मू कश्मीर की, और इसमें है सिक्किम की यानी असेंबली में 32, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है। अब देखिए ये इलेक्ट कैसे होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं, 1/3 जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो 1/3 होते हैं वो होती है लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है वो सिलेक्ट करती हैं 1/3, और फिर जो 1/12 होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं जो टीचर होते हैं यानी सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होते हैं और उनसे ज़्यादा वाले जो रैंक के टीचर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और जो बचे हुए 1/12 हैं वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। उस स्टेट के जो ग्रेजुएट्स हैं जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया है वो सिलेक्ट करते हैं, और जो बचा हुआ 1/6 है वो होता है इलेक्ट गवर्नर के बारे में, यानी गवर्नर ही वो इलेक्ट करता है। और वो कुछ फील्ड रहते हैं जैसे आर्ट में, साइंस में, जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं उससे गवर्नमेंट उसमें से इलेक्ट करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और बता देती हूँ। जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो विधानसभा के मेंबर से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 1/3 द मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा, और 40 से कम नहीं हो सकते। अब जितने भी मेंबर्स हैं विधान ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से 1/3 सेलेक्ट करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बचे हुए 1/3 सिलेक्ट करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, और जो 1/12 होता है वो जो टीचर होता है सेकेंडरी स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का कंसिडर नहीं करेंगे, सेकेंडरी स्कूल की जो रैंक होती है वो और उससे ज़्यादा में जो रैंक रहती है वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और जो 1/12 और है वो ग्रेजुएट्स सेलेक्ट करते हैं, और जो बचा हुआ 1/6 है वो गवर्नर सेलेक्ट करता है, और वो होते हैं अलग अलग फील्ड से जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, और भी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनका मैंने आपको टेन्योर भी बता दिया है, मेन मेन जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके आगे मैं आपको और पढ़ाऊँगी, और क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो भी बताऊँगी, साथ ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और अभी तक कौन कौन से प्रेसिडेंट कैसे बने हैं और अभी जो हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।